हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। समय एक और बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें, शर्जील इमाम से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में लगातार झूठ बोल रहा है शर्जील। उसने अहम सबूत छिपाने की भी कोशिश की है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी के पास। ओम प्रकाश तिवारी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, क्या अपडेट है इस खबर पर? शर्जील क्या लगातार झूठ बोल रहा है और झूठ बोल रहा है, सबूत छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो सच पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि शर्जील लगातार अपने बयान पे बयान बदल रहा है और वो बहुत ही चालाकी के साथ हर सवाल का जवाब दे रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका झूठ पर झूठ जो बोल रहा है, इस तरह से पकड़ा गया है कि उसके पास एक मोबाइल फोन था और जब उससे पूछा गया कि उसका ये मोबाइल फोन कहाँ है, तो पहले उसने कहा कि उसके जेएनयू के हॉस्टल जेएनयू में जो उसका कमरा है, ये उसका मोबाइल फोन वहाँ पर है। जब उससे कहा गया कि वहाँ चलकर वो फोन रिकवर करा दो, तो उसने थोड़ी देर बाद कहा कि नहीं, उसका जो ये मोबाइल फोन है ये संभवतः बिहार में उसके घर पर है। यानी शर्जील को अच्छी तरह पता है कि उसका ये मोबाइल फोन अगर पुलिस के हाथ लग गया तो उसके कई अनकहे भेद अनचाहते हुए भी पुलिस के हाथों तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा वो लगातार अब झूठ पर झूठ बोल रहा है और हर बात को मैं पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहा है। शोभना, ओम प्रकाश आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शर्जील क्योंकि अब झूठ बोल रहा है, जेएनयू के कभी कह रहा है हॉस्टल में फोन है, कभी कह रहा है बिहार के घर में, तो क्या दिल्ली पुलिस ने कोई टीम भेजी है शर्जील के घर? और जिस समय शर्जील को गिरफ्तार किया गया था, तो क्या उस समय उनके घर की सर्च नहीं ली गई थी? शर्जील को जिस समय गिरफ्तार किया गया था उस समय भी उसकी सर्च ली गई थी, लेकिन उसके पूछताछ के दौरान एक फोन का जिक्र सामने आया है। और जब इस फोन के बारे में पूछा गया तो वो फोन जानबूझकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि फोन के अंदर उसके कई ऐसे कॉन्टेक्ट हो सकते हैं जो उसको सहायता बाहर से दे रहे हों, हो सकता है उसके कुछ बाहर के कॉन्टेक्ट भी शामिल हों। हालांकि अभी तक की पूछताछ के दौरान उसने अपने 3 साथियों के नाम भी बताए हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम शर्जील के बताए हुए ठिकानों पर छापेमारी कर रही है मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए, और साथ ही जिन 3 साथियों के नाम उसने बताए हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी की जा रही है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।